अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज मैं मौजूद हूँ पीआईबी कॉलोनी में। एक सोशल मीडिया पे कुछ रोज़ से कुछ पिक्चर्स चल रही हैं, शायद आपने सुना होगा। दो दोस्त हैं जो कि ना सुन सकते हैं और ना बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं 14 अगस्त का इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो आप देखें, ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, लेकिन कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो लोग ये बहाना करते हैं कि हमें रोज़गार नहीं मिलता, हम इसलिए ये काम करते हैं, चोरी डकैती ये वो वगैरह। तो इसके ऊपर भी मैं मुकम्मल एक काम करूँगा ताकि ये क्राइम कम से कम हो हमारे शहर के अंदर। और आज मैं आपको मिलवा रहा हूँ वो शख्स, इनके एक और दोस्त भी होते हैं, वो तो आज मौजूद नहीं है। आज इन शख्स से मिलवाता हूँ जो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, लेकिन किस तरह कितनी मेहनत से अपना रोज़गार कमा रहे हैं। अभी हम मिलवाते हैं इनके जो रिलेटिव हैं यहाँ पर, क्योंकि ये तो आपको पता है ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, बट इनके रिलेटिव हैं जो जो भी हम बात करेंगे वो हमें वाजिया बताएंगे कि क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने तो इस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हूँ या समझ नहीं सकता था, इसलिए मैंने इन्हें बुलवाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बहुत शुक्रिया आपका मुझे टाइम देने के लिए। और वैसे चाचू का नाम क्या है? इनका नाम मोहम्मद अहमद है। मोहम्मद अहमद, जी हाँ, ठीक। और ये 1990 से ये काम कर रहे हैं। 1990 से? जी हाँ, पहले ये जमाल स्वीट के पास लगाते थे, अब जगह ना होने की वजह से अब यहाँ लगा रहे हैं पार्क जूस के सामने। तो अभी काम कैसा चल रहा है, पूछे ज़रा इनसे। काम कैसा है? काम कैसा है, ये कह रहे हैं काम है मगर कम है। कम है काम, मतलब कम है। हाँ। तो देखें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप आएँ जितना हो सकता है, एक चीज़ लें, एक ले जाएं, दो ले जाएं, तीन ले जाएं, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो देखने वाले हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ज़रूरत नहीं होगी या नीड नहीं होगी, फिर भी आएँ एक एक बंदे को मोटिवेट करने के लिए। आप आएँ एक चीज़ दो, जो भी लेकर जाएँ। मैं पहले भी लास्ट ईयर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि बड़े बाजे जितने भी हैं जिससे लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो इनके ऊपर बैंड होना चाहिए। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त, कितनी बड़ी मिसाल है हमारे लिए कि एक कैसी किस तरह का माइंड रखते हैं कि नहीं यार वो हालांकि सुन नहीं सकते हैं लेकिन लोग डिस्टर्ब होंगे, इसलिए इन्होंने बड़े बाजों से बॉयकॉट किया हुआ है। और मैं तमाम उन लोगों को भी ये मैसेज करूँगा जो ये काम करते हैं, आप बराए मेहरबानी ये बड़े जितने भी हैं जो लाउड बहुत ज़्यादा वो होते हैं जिससे लोग डिस्टर्ब होते हैं, 14 अगस्त आ रही है, हमें फिर मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ कि 14 अगस्त का हमें मतलब नहीं पता हम लोग क्या करते हैं। जो उनके लिए भी ये मैसेज है जो बाइक राइडें करते हैं, सलेंसर निकाल देते हैं और एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती है 14 अगस्त, सबको पता है। तो लिहाजा आप पहले ये जानें कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ किस लिए था, पाकिस्तान आज़ाद करने के मकासद क्या थे और हमने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। जब तक हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो हम ये चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते। अरे मुझे इतनी खुशी हो रही है इन्हें देख के। अच्छा मोहम्मद अहमद, देखिए मैंने इनसे नाम पूछा, इन्होंने पूरा NIC दे दिया। अच्छा इनको कोई इश्यूज़ नहीं होते होंगे, लोग पूछते होंगे ना कि कितने का? वैसे तो देख सकते हैं आप ये प्लेट वगैरह पे लिखा हुआ है, रेट लिखे हुए हैं 50 रुपीज़ 50, जो आसानी होती है इनके लिए बताने में या समझाने में। और वैसे इन्हें परेशानी नहीं होती कोई पूछने में? इश्यूज़ वगैरह यूँ नहीं होता, कोई अगर रेट पूछता है बेच कितने का है तो इन्होंने पेन रखा हुआ है और साथ में पेपर रखा हुआ है, वो कीमत उसकी बता देते हैं, वो इशारे से पूछते हैं तो ये इशारे से लिख के बता देते हैं भाई ये इतने का है। ये बता रहे हैं, कोई मुझसे पूछता है तो मैं बता देता हूँ 20 रुपये का है, झंडा पूछता है तो मैं बता देता हूँ 20 रुपये का है, कोई बैंड पूछता है तो 30 रुपये का है, कोई बाजा पूछता है तो 20 रुपये का है, इस तरीके से जो है कारोबार कर रहे हैं। अच्छा इनसे पूछे 50। अच्छा अगर इनसे पूछें अगर 14 अगस्त के बाद ये क्या करेंगे, इसके बाद तो ये स्टॉल ख़त्म हो जाएगा। ये इसके बाद जो है 14 अगस्त का काम ख़त्म हो जाएगा, तो ये सिलाई का काम जानते हैं, लेडीज़ टेलर हैं, तो फिर ये वो काम करेंगे।
मुझे ना, ये कह रहे हैं मैं सिलाई करता हूँ तो मेरी अभी आंखें कमज़ोर हो गई हैं तो दिखता नहीं है। अच्छा अच्छा, एक और थोड़ा सा इशू समझ में आया है मुझे, मतलब जो मुझे नज़र आया है, ये कह रहे हैं कि मैं सिलाई करता हूँ बट छोटे छोटे बच्चे हैं, रोज़गार भी इतना ख़ास नहीं है। मैं गवर्नमेंट से भी अपील करूँगा, मेरी कोशिश यही है, मैं इनको यही कह रहा हूँ कि जहाँ तक आवाज़ उठा सका या पहुँचा सका मैं आवाज़ उठाऊँगा जितने मेरे बस में है। वैसे एड्रेस क्या है, एड्रेस बताइएगा। ये गौसिया कॉलोनी में रहते हैं, मतलब ये मदनी मस्जिद के करीब ही। अगर कोई अगर इनका घर वगैरह पूछेगा तो कोई भी बता देगा कि गूंगे मामू कहाँ रहते हैं या अहमद भाई जो बोलते नहीं है उनका घर कहाँ है, तो वो आपको बता सकते हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि गवर्नमेंट ज़रूर तवज्जो देगी, और इनका भी यही कहना है कि आवाम से, कि आवाम कुछ नहीं कर सकती, सपोर्ट कर दे तो चार 10-20 रुपए की चीज़ ले जाएं यार, क्या फ़र्क पड़ता है हम में से, इतने पैसे हम गंवाते हैं अपनी पार्टीज़ में, अपनी दूसरी चीज़ों में, तो 20-30-40-50 रुपए का झंडा ले जाते हैं, कोई मान लो कुछ भी ले जाते हैं यार, मतलब क्या क्या ऐसे लोग हमारे लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, काबिल फ़ख्र हैं और हमें इनकी कदर करनी चाहिए और हम कदर करेंगे। आपकी नज़र में कोई भी ऐसा शख्स है जिसे ज़रूरत है प्रमोट की, तो मेरा YouTube चैनल है और मेरा Facebook पेज है आतिफ मेहती, Instagram पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर प्रमोट कराऊंगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।